बाबा ब्रह्मा भोजन का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बाबा कहते थे बच्चे ये दुख भंजन भोजन है, अगर इसे तुम प्रेम से श्रद्धा से भाव से खाओगे तो ये तुम्हारे पता नहीं कितने दुखों को कितने कष्टों को हर लेगा, तुम्हारे कड़े संस्कारों को खत्म कर देगा, मन की बीमारियों को नष्ट कर देगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, इसमें शिव की डायरेक्ट शक्ति भर के आती है। परंतु कंडीशन तुम्हारा भाव कैसा है उसको स्वीकार कर लेगा। अब उसमें नमक नहीं है सब चीजें, बाबा को भोग लगती बैल बजता है, रिकॉर्ड बजता है और सब खाने पर टूटते हैं। उस समय जो भी बाबा के बच्चे थे उस बिना नमक की सब्जी को खाते, कोई नाक चढ़ाता, कोई फेंकता, कोई खाता, कोई क्या करता, तो ये ब्रह्मा भोजन का अपमान होता। इसीलिए बाबा ने ये मिस्टेक ठीक कराई और उस दिन से ये आदेश दिया कि जो निमित्त आत्मा है भंडारे की वो पहले भोजन को एक केवल एक चखे, उसके बाद बाबा को और उस दिन से ये प्रथा शुरू है। जब सूर्य भाई वहां होते हैं कहीं भी तीनों जगह में तो वो भोजन को चखते हैं पहले, केवल एक ये नहीं कि सभी चखा चुकी शुरू कर दो,